हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी, जो कि घर के ही कुछ सामानों से हम बनाए हैं। ये 3 लेयर वाला केक, और ये बहुत ही हेल्दी भी है, और देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही मजेदार लगेगी। तो इस रेसिपी को आप बनाने के लिए वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने इसमें किन इन्ग्रीडियंट्स का इस्तेमाल किया है, इसे देखने के लिए आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए देखिए, हमें इस तरह के संतरों की जरूरत पड़ेगी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसका हम छिलका उतार लेते हैं। पहले ये देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया। अब इन संतरों के जूस की जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम जूस निकाल लेते हैं। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप मार्केट वाले जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड, इतना सारा मैंने जूस निकाल लिया, इतनी हमें जूस की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही ये 1 कप मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, और साथ ही 1 कप चीनी। तो सबसे पहले चीनी को हम मिक्सी जार में रख के इसका पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने चीनी का एकदम बारीक सा पाउडर बना लिया। इसके बाद एक पतीला ले लेंगे हम, इस तरह की ये जूस इसमें डालेंगे, और साथ ही ये कॉर्न स्टार्च इसमें डालेंगे, और इस तरह से मिलाएंगे। पूरा नहीं डालेंगे ताकि लम्स ना रह पाए। इस तरह से धीरे धीरे हम मिलाते जाएंगे और इसे डालते जाएंगे। इसके साथ ही जो हमने ये चीनी का पाउडर बना के रखा था, इसे भी इसमें डालेंगे। पूरा हमें नहीं डालना है, एक साथ में हाफ डालेंगे इसमें, और इस तरह से हम मिला लेंगे। अब गैस चालू करके इस पतीले को गैस पर डाल देते हैं। इसे अच्छे से हम चमचे की मदद से मिलाते हुए इस तरह से ठीक करेंगे। हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ठीक हो जाता है इसीलिए, और इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ठीक इस तरह की इसकी थिकनेस चाहिए। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ठंडा होने देते हैं इसे कुछ देर। इसके बाद इस तरह की कटोरी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल से कोटिंग कर देंगे चारों तरफ। अच्छे से हम चारों तरफ फैला लेंगे ऑयल को। इसके बाद जो ये संतरे का हमने बनाया था, इसे हम इसमें डाल देंगे फैला लेंगे चारों साइड से। ये देखिए, ठीक इस तरह से इसे हम अच्छे से बिठा के इक्वल कर लेंगे। अब दूसरा लेयर बनाने के लिए देखिए, 1 कप मैंने दूध ले लिया है। ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, सेमोलिना सूजी जिसे कहते हैं, या रवा। और इसके साथ ही ये चीनी का पाउडर जो मैंने बना लिया था, इसे 1 पतीला हम ले लेंगे पहले, इस तरह की। इसमें ये रवा डाल देंगे पूरा, और साथ ही ये दूध हल्का सा गुनगुना है, डाल देंगे इसमें। और ये चीनी, इसे भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। अब गैस पे इसे चढ़ा के लगातार इस तरह से हम चलाते जाएंगे, ताकि अंदर में तले में ना चिपक जाए ये। और एक बैटर तैयार कर लेंगे ठीक सा। ये देखिए, काफी ठीक हो रहा है ये, धीरे धीरे ठीक इसी टेक्सचर में हमें चाहिए। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। इसे हम कुछ देर ठंडा होने देते हैं, ताकि ये अच्छे से ठीक हो जाए।
इसके बाद देखिए इस पे हम दूसरा लेयर बिठाएंगे। इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे इस तरह से। अब हम तीसरी लेयर बनाएंगे। तीसरी लेयर बनाने वाले हैं हम बीट रूट का। बीट रूट को सबसे पहले हमने वॉश कर लिया है इसे अच्छे से। इसके बाद इसका छिलका उतार के टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करके जूस निकाल लेते हैं। इस बीट रूट को मिक्सी जार में हम रख देंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, एक चम्मच के करीब। इसके बाद इसका हम जूस निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तीसरी लेयर बनाने के लिए हमने एकदम बारीक साइज से कुछ बना लिया है। इसका पल्प हम निकालेंगे नहीं, इसी में यूज करने वाले हैं, इसीलिए इसे जितना हो सके उतना बारीक सा प्यूरी बना लीजिएगा, ठीक इस तरह से। इसके बाद चीनी हम ले लेंगे, चीनी का पाउडर जो हमने बना के रखा था, और साथ ही कॉर्न स्टार्च, ये दो टेबल स्पून है कॉर्न स्टार्च, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम पतीला ले लेते हैं और इस पतीले में जो ये बीट रूट का हमने बनाया था प्यूरी, इसे पूरा निकाल लेंगे। जरा भी हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट है। इसके बाद ये कॉर्न स्टार्च इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम मिला लेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कम पानी में कॉर्न स्टार्च बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो इसीलिए हम एकदम पतला सा लेयर बनाएंगे। इसके बाद इसे गैस पे इसे थिक करेंगे हम, तो थोड़ा सा इसमें पानी में ऐड कर रही हूँ। इसके बाद ये चीनी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे हम पहले इसे। इसके बाद गैस ऑन करके गैस पे ये पतीला हम चढ़ा देंगे और कंटिन्यू इसे इस तरह से हम चलाते जाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। ये देखिए ये धीरे धीरे एकदम थिक होने लगा है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कुछ देर इस तरह से पका लेंगे अच्छे से। इस स्टेज पे ठीक ऐसा ही हमें चाहिए टेक्सचर। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, ऐसे हम कुछ देर ठंडा होने देते हैं। अब इस पे हम तीसरी लेयर बिठाएंगे। ये देखिए हमारा बीट रूट का जो हमने बनाया था एकदम ठंडा हो चुका है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गर्म ही होना चाहिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इस पे डाल देंगे हम। इसे अच्छे से हम फैला लेंगे, पूरी तरह से सेट कर लेंगे। घंटा हम रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, उसके बाद इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, दो घंटा फ्रिज में रखने के बाद ये एकदम अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम चारों साइड से इस तरह से पुश कर देंगे, थोड़ा सा ये छोड़ देगा लेयर, इस तरह से कर देंगे। और इसके बाद एक प्लेट ले लेंगे। हम पलट लेंगे इसे। ये देखिए फ्रेंड, कितने अच्छे से ये निकल चुका है। अब इसे हम कट कर लेते हैं और ये देखिए कितनी आराम से कट रही है। और ये देखिए फ्रेंड, कितने आराम से ये निकल रही है। तीन लेयर वाला ये मजेदार सा मैंने केक बना के तैयार कर लिया है। इस रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा और इसके बाद कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करते रहें, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। ओके, थैंक यू।